लोगों ने बोला कि सर इसकी आप कुमा की M5 की टेस्ट ड्राइव वीडियो बनाइए, तो आज मैं टेस्ट ड्राइव वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बाइक है और काफ़ी सारा स्पेस भी है, चलाने में भी बहुत अच्छी है और जो इसकी ब्रेकें हैं वो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट कर रही है इस इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो इसका रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ी सी तो कॉस्टली है, लेकिन इसका जो फाइबर क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल साकर सस्पेंशन है और डबल चारों इंडिकेटर जलाने का भी ऑप्शन इसमें उपलब्ध है। मोटर है वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस क्रिएट कर रही है, इसमें सभी चीज़ें अच्छी हैं। हैंडल की भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ा सा हेड, ये जो हेड है वो थोड़ा नीचे दे रखा है इस गाड़ी के मुकाबले। अगर हेड थोड़ा सा ऊपर होता तो काफ़ी अच्छा लुक निकल करके आता है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं थोड़ा हेड नीचे है इस गाड़ी के मुकाबले, तो इस वजह से थोड़ा जो अगर डे विजन में देखते हैं आप LCD को तो वो नज़र नहीं आती है, उसमें थोड़ा सा इशू है। और यहाँ पर जो साकर वाकर हैं ये सब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहा है और जो इसका फाइबर क्वालिटी है वो तो बहुत ही अच्छा है। एडजस्ट पर ब्रेक दे रखी है, तो अभी हम लोग इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो इसके मोटर क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, मोटर परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है, साकर की भी सब कुछ। और यहाँ पर जब बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आप आराम से दो लोग बैठ सकते हो और जो पीछे स्पेस है यहाँ पर आप कुछ बांध भी सकते हो। बांधने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं माउंट दे रखे हैं नीचे, ये देखिए ये माउंट दे रखे हैं, माउंट से आप इसको बांध सकते हैं कुछ भी सामान। और जो इसकी बैक लाइट है वो भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी जलती है और सारी चीज़ें अच्छी हैं इसमें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं दिन में इस गाड़ी को जब बाहर निकाला हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लग रहा होगा कि LCD नहीं ऑन है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी LCD ऑन है, ये देख सकते हैं पूरी LCD ऑन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा है कि LCD अगर ऊपर की ओर होती है और आगे से कुछ लगा होता है पोर्शन, जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ पर जो कांच लगा हुआ है उसकी वजह से आपको दिखता नहीं है LCD में, तो ये चीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है कि LCD इनको थोड़ी और भी अच्छी बनानी पड़ेगी। और लेकिन इसमें दिखाती तो हर एक चीज़ है। अच्छी काफ़ी स्पीड मिल रही है इसको और ये रोड पे परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा क्रिएट कर रही है। और जो इसकी हैंडल परफॉर्मेंस है ये तो बहुत ही अच्छा उनका क्वालिटी का है। और यहाँ पर एक ब्लूटूथ फीचर भी दे रखा है जिसको आप यहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको जैसे मैनुअल मिल जाती हैं, आपको यहाँ पे ब्रेक भी आप देख सकते हैं, अगर जैसे ही आप हल्की सी ब्रेक दबाते हैं तो आपका एक्सीलेटर काम करना बंद कर देता है। डबल डिस्क ब्रेक है, आगे पीछे दोनों आपको मिल जाता है। अगर जैसे ही आप हल्की ब्रेक दबाते हैं तो आपका एक्सीलेटर काम करना बंद कर देता है और ब्रेक वर्क करने लगती है, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी जो अभी टॉप स्पीड है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। पहली बार जैसे ही आप देख सकते हैं ये पार्किंग में खड़ी हो जाती है, अपने आप ही पार्किंग में खड़ी हो जाएगी। जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे ये पार्किंग से हट जाएगी और आपको ड्राइव मोड में आ जाएगी। ड्राइव मोड में जैसे ही आप एक्सीलेटर लेंगे तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर 3-स्टेप गियर मोड है इस साइड दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं फुल। अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ी होगी, वहाँ से जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग फुल टॉप स्पीड देखने वाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 27, 30, 40, 45, 49, 50, 53 तक का जा रही है टॉप स्पीड। और एक्सीलेटर लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 59, 60, 60, 60, 60, 60
और अभी देख सकते हैं 58 है, 59 हो गया और यहाँ पर 61 हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इधर आपको ब्लूटूथ फीचर भी मिल जाएगा और मिरर जो आप देख सकते हैं पीछे का एकदम बैक का बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जो कि आप दोनों मिरर में देख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको उपलब्ध मिल जाएंगी मैनुअल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर मोड, रिवर्स मोड और पार्किंग बटन भी आपको देखने को मिल जाएगा और इधर आपको ब्लूटूथ फीचर देखने को मिल जाएगा। और अभी हम लोग देखते हैं इसको एक्सीलरेट करते हैं और कस के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 टॉप स्पीड निकल करके आ रहे हैं जिसमें से 61 निकल आई है। और अभी हम फुल एक्सीलरेटर लेंगे तो यहाँ पर 62 की स्पीड टॉप निकल करके आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 62 की स्पीड टॉप निकल करके आती है और इसके आगे एक्सीलरेट लेने पे नहीं आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 62, जी हाँ फ्रेंड्स, तीसरे गियर पे 62 की स्पीड आपको निकल करके आती है। तो ये काफ़ी अच्छी और बेहतरीन स्पीड है, आपको अगर लेना है तो ये एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक सेगमेंट हो सकता है कि आपको 60 की टॉप स्पीड मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आकर के विजिट भी कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार इसको चला भी सकते हैं और टेस्ट ड्राइव का भी डेमो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये परचेज करनी है तो आपको लखनऊ के शोरूम में आकर के परचेज कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ऐसी ही वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी और इलेक्ट्रिक सेगमेंट की सबसे बेस्ट बाइक हमको तो लग रही है, क्योंकि अपने लखनऊ में ऐसी कोई बाइक लॉन्च नहीं हुई है, तो इस वजह से ये अभी तक का की सबसे बेस्ट बाइक मान सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट बाइक मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लेनी हो तो आप यहाँ पर आकर के विजिट कर सकते हैं।